हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सालोज किचन में। आज हम मिल्क केक बनाएंगे। आप देख सकते हैं मिल्क केक यहाँ पे कितना अच्छा बना हुआ है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देर ना करते हुए मिल्क केक की रेसिपी को शुरू करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 लीटर दूध लिया है। यहाँ पे हमने भैंस का दूध लिया है, आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए रख देते हैं। दूध को उबालने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी और मोटे तली की कढ़ाई ली है। अब हम दूध को कढ़ाई में पलट देते हैं। हाई फ्लेम पे हम दूध में उबाल आने देंगे। यहाँ पे हमने गैस को ऑन कर दिया है। यहाँ पे दूध उबलने लगा है, को हमें गाढ़ा होने तक पकाना है। हम इसे इस तरीके से लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक हम इसे पका लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दूध हमारा काफी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी दूध को हमें और ज्यादा गाढ़ा करना है। अब हम गैस को मीडियम कर देते हैं। मीडियम आंच पे हम इसे चलाते हुए गाढ़ा कर लेंगे इस तरीके से। अब इसे हमें चलाते रहना है, नहीं तो दूध हमारा नीचे तले में जल जाएगा। तो हम इसे और ज्यादा गाढ़ा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध यहाँ पे और ज्यादा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हम 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और इसे हम मिक्स कर देते हैं। और इसे हमें चलाते हुए और ज्यादा गाढ़ा कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम चीनी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कटोरी चीनी ली है। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा। तो हम मीडियम आंच पे चीनी को गलने तक पकाएंगे। चीनी को गलने तक मीडियम आंच पे हम लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे चीनी अच्छे से गल गया है। अब इसे हम गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं दूध में। तो यहाँ पे मिल्क केक हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। मिल्क केक को जमाने के लिए हमने यहाँ पे 1 स्टील का कटोरा लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। हम कटोरे में अच्छे से घी को लगा लेते हैं तरीके से। यहाँ पे हमने बर्तन को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम सारे मिल्क केक को इस बर्तन में डाल देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमने सारे मिल्क केक को कटोरी में पलट दिया है। अब इसे हम ढककर 5-6 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मिल्क केक हमारा अच्छे से सेट हो जाए। इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, हम इसे बाहर ही रखेंगे। यहाँ पे 5-6 घंटे हो चुके हैं, केक बहुत अच्छे से जम गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके किनारों को चाकू की सहायता से छुड़ा लेते हैं इस तरीके से।
हमें मीडियम आंच पे 5-6 सेकंड के लिए गरम कर लेना है ताकि केक नीचे से अच्छे से निकल जाए। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे चारों तरफ से ताकि केक अच्छे से छूट जाए। यहाँ पे 5-6 सेकंड हो गए हैं, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब हम केक को एक प्लेट में पलट लेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लेट लिया है इस तरीके से। इसके ऊपर हम इस तरीके से कर देंगे ताकि केक आसानी से निकल जाए। इस तरीके से आप देख सकते हैं केक बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बाहर निकल गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना अच्छा मिल्क केक बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे मिल्क केक को जरूर बनाएं। अगर आपको मिल्क केक की रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।